हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी चल रहा है, जिसमें हम बात करेंगे कोवलेंट रेडियस, वांडरवाल रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस। तीनों टॉपिक को एक साथ ही लेंगे। तीनों रेडियस हैं, एक कोवलेंट है, एक वांडरवाल है और एक मेटेलिक रेडियस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवलेंट रेडियस क्या है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयरिंग करते हैं, एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके जो है बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो उसे कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बताया था आपको, याद होगा आपको, कि दो एटम जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो वो जो बॉन्ड बनता है उसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जिसमें मैंने आपका एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोजन, याद होगा आपको, ठीक है। हाइड्रोजन एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का जो है शेयरिंग करते हैं, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल के अंदर, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके जो बॉन्ड फॉर्म किया इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन से, ये बना बॉन्ड। तो ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड ये है। अब हम बात करते हैं कोवलेंट रेडियस की क्या है, कि कोवलेंट रेडियस क्या होती है। कोवलेंट रेडियस होती है, देखिए, व्हेन टू सेम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो है सेम एटम्स हैं ऑफ एन एलिमेंट आर अटैच्ड बाय ए कोवलेंट बॉन्ड, देन द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस ऑफ दैट एटम। यानी कि दो सेम एटम है, ठीक है, अपन ने सेम एटम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा हाइड्रोजन ये है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, शेयरिंग किया है। सेम एटम है दोनों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, तो इनके जो बीच में बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड कौन सा हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया। इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस ये है, इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस ये है, तो इन दोनों एटम्स की जो डिस्टेंस है बीच की, न्यूक्लियाई डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस का हाफ पार्ट, हाफ पार्ट का मतलब हो गया यहां से ये हाफ पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो हाफ पार्ट की डिस्टेंस है ये ही क्या है, कोवलेंट रेडियस। ठीक है, ये क्या है, कोवलेंट रेडियस है। समझ में आ गया, सेम एटम जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ पार्ट कोवलेंट रेडियस होता है। अब बात करते हैं अपन सेकंड टॉपिक, वांडरवाल रेडियस। वांडरवाल रेडियस क्या है, दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है इसमें और वांडरवाल रेडियस में। वांडरवाल रेडियस में क्या होता है कि द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ टू नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड वांडरवाल रेडियस। ये कह रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में बॉन्ड नहीं बना रखे, नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स हैं नॉन बॉन्डेड, तो उनके जो पास वाले एटम है उनके न्यूक्लियस की बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ पार्ट क्या होगा, वांडरवाल रेडियस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने यहां पे लिया एच आई, ये एक मॉलिक्यूल है एच आई, ये दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है ना। दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के पास है, ये हाइड्रोजन एटम और ये आयोडीन एटम, इन्होंने तो शेयरिंग करके बना रखा है ना कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड है। इस मॉलिक्यूल्स के पास में ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है, ये लीजिए, ये एक मॉलिक्यूल हो गया
और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया एच आई का। दोनों नॉन बॉन्डेड है, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, ये केवल एक दूसरे के क्लोज है। अट्रैक्शन फोर्स, वंडरवाल फोर्स के कारण ये एक दूसरे के पास है। इस फोर्स को बोलते हैं वंडरवाल फोर्स, जिसके कारण से ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या है, पास है, बॉन्डेड नहीं है। लेकिन तो अब पास वाले एटम कौन से हो गए, दोनों मॉलिक्यूल्स के पास वाले एटम ये दोनों हो गए, इसका ये और इसका ये एटम पास है। तो इन दोनों के न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस ये है, इस डिस्टेंस का हाफ पार्ट ये हो गया। ये जो हाफ पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं, वंडरवाल रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा मेटालिक रेडियस यानी मेटल्स। अब मेटल की जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, एक तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, लैटिस स्ट्रक्चर मतलब जाल बन जाता है इसमें इनका। ये एटम जो मेटल के एटम है, मेटल के जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के पास पास आके इस टाइप से अरेंज हो जाते हैं, एक फिक्स सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, जिसको क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद में ये कुछ ऐसे, हम बात कर रहे हैं मेटलिक रेडियस की, तो ये मेटल के जो एटम्स है एक दूसरे के पास कुछ स्पेशल इनका अरेंजमेंट होता है, जिससे एक जाल सा बना लेते हैं एक दूसरे के पास आके, फोर्स के कारण ये पास पास आ जाते हैं, बॉन्डेड नहीं होते, ध्यान रखें ये एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं होते हैं, केवल पास पास रहते हैं, और इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब इनमें रेडियस कौन सी हुई, मेटेलिक रेडियस कैसे निकालें, तो द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटालिक कार मेटालिक रेडियस। इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर दो नियरेस्ट एटम के न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ पार्ट। अब दो नियरेस्ट कोई सब ले लो आप, ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, ये या ये ले लो, ये दोनों ले लो, ठीक है कोई सब ले लो। तो मैं ले लेता हूं ये एक एटम, ये ले लिया, इसके दूसरा टच कर रहा है ये, ठीक है, टच करने वाले कोई से दो ले लो। तो इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस की डिस्टेंस ये है, और इसका हाफ पार्ट हो जाएगा ये। तो ये हाफ पार्ट की जो डिस्टेंस आई ये क्या है, मेटालिक रेडियस, ठीक है। तो ये मेटालिक रेडियस थी। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर अपना जो है कंप्लीट हो गया है, ये जिसमें अपन एटॉमिक थ्योरी, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, ठीक है, और उसके बाद में अपन ने इनकी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी थी, वैलेंसी पढ़ी, और भी हैं ये रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस पढ़ी थी, कोलेंड रेडियस, वंडरवाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे चैप्टर 8 के। धन्यवाद।